नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे बड़ी खबर लेकर इस वक्त की हाजिर हो चुके हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पत्रों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से क्या कुछ बयानबाजियां सामने निकल कर आ रही है, इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ विस्तार से 5 मिनट के अंदर बताएंगे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तमाम विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता समेत तमाम लोग COVID-19 के इस दौर में, दूसरे दौर में लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी यह चाहते हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ आकर लोगों की मदद करें, तो इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर के अंदर, कोरोना वायरस से देश उभरा भी नहीं था कि नया वायरस पर बेस कर चुका है, और इसके साथ ही देश में मरने वाले लोगों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं विस्तार से 5 मिनट के अंदर बताएंगे। तो आपको आज की बड़ी खबर जरूर जान लेनी चाहिए। साथ ही साथ बारिश का मौसम आते ही बाढ़ जैसे हालात सामने निकल कर आने लगे हैं देश के तमाम हिस्सों में, और बिहार के तमाम हिस्सों में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने नया योजना बना लिया है। तो क्या कुछ बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ पारस अस्पताल के अंदर कर्मचारियों ने एक महिला के साथ किया दुष्कर्म, महिला की बेटी ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, तो बड़ी खबर है विस्तार से बताएंगे। पारस अस्पताल को बंद करने का लगातार ट्विटर हैंडल पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप भी चिकन, मटन या फिर फिश खाते हैं, यानी मछलियों का सेवन करते हैं, तो आज की यह बड़ी खबर देखना बिल्कुल भी ना भूले। आप तमाम लोगों के लिए इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर निकलकर आ गई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर के अंदर, दरअसल पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी ने आज बड़ी बात कह दी है। जीतन राम मांझी ने बड़ा बात कहते हुए साफ तौर पे तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं विस्तार से बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दरअसल लगातार फोटो और वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें लिखा जा रहा है कि मंगल पांडे द्वारा इस बार के कार्यकाल में फ्लॉप हो गए हैं, वो तमाम योजनाओं को लेकर फ्लॉप हो रहे हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ ईवीएम मशीनों से क्या इस बार पंचायत चुनाव कराया जाएगा, या बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव कब कराए जाएंगे, इसकी तमाम बड़ी खबरें, तमाम जानकारियां विस्तार से बताएंगे 5 मिनट के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दें आज की बड़ी खबर के अंदर, जी हां, दारू और शराब अगर आप भी सेवन करते हैं, शराब अगर आप भी पीते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्व की प्राप्ति के लिए एक राज्य की सरकार ने शराब की कीमत सस्ती कर दी है। तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, दरअसल आपको बता दें कि आज जी हां प्रधानमंत्री के ऊपर खूब बरसी, प्रधानमंत्री के ऊपर जी हां ममता बनर्जी ने बरसते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ। साथ ही साथ एक तरफ जहां कोरोना वायरस के खत्म होने के साथ ही ट्रेन भीड़ भाड़ जा रही है, तो दूसरी ओर ट्रेनों का परिचालन कई जगहों पर रद्द किया जा रहा है, तो आपको असुविधाएं ना हो इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम कलेक्टरों के साथ मीटिंग की, मीटिंग के अंदर वेस्ट बंगाल से भी एक कलेक्टर को शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं विस्तार से बताएंगे 5 मिनट के अंदर। पप्पू यादव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, पप्पू यादव की सेना ने नीतीश सरकार का खोला पोल, अलग अलग जगहों पर संसदीय क्षेत्रों की जो सांसदों के फंड से पास हुए एम्बुलेंस शर और गल रही है, इसको देखते हुए जो पप्पू यादव की सेना ने पोल खोलना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बिहार सरकार लगातार केंद्र सरकार से इस बात को लेकर मदद मांग रही है कि तमाम बच्चों की पढ़ाइयां प्रभावित ना हो, शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए टैबलेट और लैपटॉप देकर लोगों को पढ़ाया जाए। तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं विस्तार से बताएंगे, सभी खबरों को एक एक विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी को इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी भी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना चाहिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। खबरों को रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि दूसरी महामारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, कोरोना के दूसरे प्रकोप धीरे धीरे जहां कम हो रही है, वहीं तीसरी प्रकोप के आने का संकेत भी मिलना शुरू हो गया है। और तीसरी ओर व्हाइट फंगस नाम से, आपको बता रहे कि व्हाइट फंगस नाम से लगातार एक नई बीमारी प्रवेश कर चुकी है, जो शुगर पेशेंटों को अपना खास तौर पे शिकार बनाती है। शुगर पेशेंटों के लिए यह बीमारी काफी ज्यादा जिया ट्रॉलफुल हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, इस बीमारी से मृत्यु दर बढ़ सकता है। कई राज्य सरकारों ने इसे, जी आपको बता दें कि आनन फानन में व्हाइट फंगस को तुरंत अभी
अभी महामारी घोषित कर दी है और कई राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने अपील किया है कि महामारी घोषित कर इसको तुरंत एक्शन मूड में लेकर काम करने की जरूरत, क्योंकि व्हाइट फंगस भी कोरोना से कम नहीं है, या आपको अंधा या फिर आपके जान को भी ले सकता है। और व्हाइट फंगस दरअसल बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पर ज्यादा दिनों तक रहने वाले मरीजों को भी हो रही है। तो मरीजों को अब दो स्टेप से जूझना पड़ेगा। एक तरफ जहां कोरोना का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा था, धीरे धीरे यह कम हो रहा है, सरकारों की इसमें काफी ज्यादा लगातार योगदान रहा, तो दूसरी ओर अब सरकारों के इस नए योगदान के बाद में दूसरी ओर व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस जैसे नई बीमारियां दस्तक देने के साथ ही काफी ज्यादा लोगों को पेनफुल करा रही हैं, लोगों को मौत की घाट उतार रही हैं। ये बेहद जरूरी है कि आप भी इन बीमारियों से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर यह बीमारियां आपको होती है तो आप भी जी हाँ, आपको डरे कि कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जाने से बिल्कुल जा रहे हैं, तो आपको इन सभी चीजों से डरना है। सरकार और आपको डॉक्टरों की सलाह से आपको तमाम चीजों को करना चाहिए। साथ ही साथ आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दरअसल तेजस्वी यादव की आपको दारी बहन ने तेजस्वी यादव की बहन ने जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पर सुशील कुमार मोदी को बातें लिखी और उसके बाद में विवाद शुरू हुआ। पहले विवाद सुशील कुमार मोदी ने शुरू की थी। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ ट्विटर हैंडल से लिखा था, सबसे पहले आपको बता देते हैं। जैसे ही राजद की ओर से कोविड सेंटर की स्थापना की गई और तेजस्वी यादव ने यह बात लिखा कि एक वाला रोड में हमने कोविड सेंटर के 50 बेडों वाले सहयोग किया है, आप सरकार इसे अपने अधीन लेकर कार्य करें। उसके बाद में जी आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने इसको निशाने पर लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के घर में दो दो MBBS डॉक्टर है, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है और तेजस्वी यादव की बहन है, क्या इन लोगों के द्वारा भी सेवा दिया जाएगा। इस तरीके की बड़ी बात लिखी गई। लेकिन उसके बाद में जी आपको बता दें कि उनकी बेटी यानी लालू प्रसाद यादव की बेटी और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की बहन ने निशा जी ने किस तरीके से ट्वीट किया था और सुशील कुमार मोदी के ऊपर लगातार कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और सवाल भी पूछा था। सबसे पहला सवाल उन्होंने कहा था कि आपके बेटे जी इंजीनियर है इसीलिए वो सुख रहे हैं, इस तरीके की तमाम बातों को लिखा गया। और आज उनका ट्विटर हैंडल बंद करा दिया गया है। ट्विटर हैंडल के बंद कराए जाने के बाद में उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है, अगर वो इस बात से खुश हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, अगर मेरे ट्विटर हैंडल बंद कराकर वो खुश है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर केजरीवाल सरकार ने बढ़ती महामारी को देखते हुए कानून व्यवस्था और लॉकडाउन को सुचारू ढंग से जारी कर लोगों को इस महामारी से बचाने का प्रयास और लगातार मदद करके लोगों को बचाया है। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाए हैं। केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार की अच्छे तरीके से मदद नहीं मिल पा रही है, ना तो हमें अच्छे तरीके से ऑक्सीजन और ना ही सिलेंडर मिल रहे, जिसके साथ ही लोगों की काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद भी हम प्रयास में लगे हुए हैं, कोविड शील्ड और कोरोना की कोवैक्सीन नाम से वैक्सीनेशन भी कम हो पा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन 3 महीने के अंदर दिल्ली सरकार ने करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद में काफी ज्यादा हलचल भी है। दिल्ली सरकार काफी ज्यादा पैमानों पर कोरोना की वैक्सीनेशन अपने राज्य के तमाम लोगों को दे रही है, जिससे काफी ज्यादा कोरोना को रोकने में प्रभावशाली दिल्ली सरकार हो सके। दिल्ली सरकार इस बात को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए और तीसरी लहर ना आए इसकी खास तौर पे तैयारी की जाए। दूसरी लहर तो आई और काफी ज्यादा विनाश पहुंचा, लेकिन तीसरी लहर ना आए इसकी खास तौर पे तैयारियां की जा रही हैं। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव की तैयारियां जोरों और शोरों से जारी है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव की तैयारियां कराई जा रही है। चुनाव की हो रही तैयारियों के बीच में अब बड़ा सवाल खड़ा होता है। 15 जून 2021 को निर्वाचित अधिकारी और माननीयों का निर्वाचन रद्द हो जाएगा, उसके बाद में ना तो उनके पास इस बात का अधिकार रह जाएगा कि वो किसी भी नए काम को करा सके या फिर कुछ। तो इन तमाम संसाधनों के खत्म होने के बाद में किस तरीके से पंचायतों की कार्य कराया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और इस महामारी के बीच में सरकारों को किस तरीके से कार्य कराना है, अब पंचायत स्तर पर कार्य को कराने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुश्किलों का सामना करने से पहले अब यह बात को भी निर्णय
निर्णय लिया जा सकता है कि बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव कब और किस तरीके से कराए जाए। सरकारी इस बात का फैसला कब लेती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी बिहार में होने वाले पंचायत स्तर के चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि M3 मॉडल की ईवीएम मशीनों के कारण काफी ज्यादा देरी हुई थी, लेकिन 15 जून के जिया निर्वाचित अधिकारियों का निर्वाचन रद्द होने के बाद में बड़ा संदेश खड़ा होता है, संकेत होता है कि अब क्या नवंबर और दिसंबर में चुनाव होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निर्वाचित माननीयों का निर्वाचन 15 तारीख को रद्द हो जाएगा और उसके बाद में तमाम चीजें सामने निकल कर आने लगेंगी। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों आज की बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर जी हां पूरी तरीके से संपूर्ण शराब बंदी है बिहार में और कई राज्य सरकारें शराबों को बेच रही है। शराब की मिलने के साथ ही जी हां आपको बता दें कई राज्य सरकारों ने इसकी कीमत सस्ता कर दिया है। राजस्व की प्राप्ति के लिए और स्टॉक में पड़े शराबों को बेचने के लिए सरकारों ने इस तरीके का निर्णय लिया है। सरकारों के इस निर्णय के बाद में ठेकों पर लंबे लाइनों का तगाद देखने को मिला, जहां पर शराब खरीदने के लिए काफी ज्यादा लोग एकत्रित हो गए हैं। जी हां आपको नहीं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोरोना से डर और भय। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बीच में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। तो अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो कई राज्य सरकार आपके लिए बड़ा ही खुशखबरी देती है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शराब आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है, इसका सेवन अगर आप करते हैं तो आप अन्यथा ना करें तो बेहतर। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। दरअसल पप्पू यादव ने साफ तौर पे यह बात को कह दिया था कि बिहार सरकार बहुत जल्दी फंसेगी। बिहार सरकार को फंसाने का पूरा दावा पेश कर दिया था और साथ ही साथ बिहार सरकार के अब जी हां कई पोल पप्पू यादव की सेना खोल रही है। पप्पू यादव की सेना तमाम जिलों से ऐसे एम्बुलेंस के फोटो और वीडियो और तमाम चीजों को वायरल कर रही है, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। तमाम चीजें जो लोगों के जिया सेवा और सिविल मान थी, वो तमाम चीजें आज सड़ और गल रही हैं। इसका जिम्मेवार कौन है और कौन सरकार इसकी जिम्मेवारियां लेंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की जांच तमाम चीजों से कराई जाए, ऐसी भी मांग उठना शुरू हो गया है। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं।